Good morning, students. I am Parveen from Happy Cambridge School, your EVS teacher. बच्चों, हमने EVS की लाइव क्लास में लेसन 8 द फेस्टिवल्स स्टार्ट किया था. लेसन का नेम है फेस्टिवल्स. पेज नंबर 37 पर इसमें हमने पढ़ा था कि जो भारत देश है ये त्योहारों का देश है और हम इन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं. ये त्यौहार हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, उमंग भरते हैं. ठीक है, इन्हें हम बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं. यहाँ हमें कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और सेलिब्रेट करते हैं. वेल नोन मीन्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यानी ये प्रसिद्ध त्यौहार है. फेस्टिवल्स त्यौहारों ग्रेट महान या बड़े इंथ्यूजियम उत्साह ब्रिंग लाते हैं. हैप्पीनेस खुशियाँ, उमंग जॉय भी खुशियाँ. ठीक है, अब कौन से फेस्टिवल्स है? जैसे हम त्योहारों की बात करते हैं हमारे दिमाग में एकदम से होली, दिवाली, ईद, दशहरा, क्रिसमस, इन त्योहारों की पिक्चर्स आ जाती है ना? होता है ऐसा. तो यही सभी त्यौहार हम जानते तो हैं त्योहारों के बारे में, लेकिन उसे क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, इसके बारे में हम लेसन में पढ़ेंगे. और सभी बच्चों ने इसे ध्यान से सुनना है और समझना है, साथ ही साथ पढ़ना भी है. दिवाली के बारे में बताया गया था कि ये लाइट्स का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है इसे. इस दिन गॉडेस लक्ष्मी की पूजा की जाती है और घरों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं और क्या किया जाता है, मिठाइयाँ आपस में एक दूसरे को बांटी जाती हैं और बच्चे बम पटाखे फोड़ते हैं, है ना? आप इस पिक्चर्स में देखिए, ये दिए सजा रही है, ये घर को डेकोरेट किया हुआ है, ये बच्चा फुलझड़ी जला रहा है. ठीक है, आपके दिमाग में एकदम से दिवाली की पिक्चर कैप्चर हो गई होगी, आ गई ना आपके माइंड में. सेकंड फेस्टिवल हमने पढ़ा था क्रिसमस के बारे में. ठीक है, कि क्रिसमस जीसस क्राइस्ट के बर्थडे पर मनाया जाता है. और उनका बर्थडे कब आता है? एवरी ईयर 25 दिसंबर को आता है. कब आता है? 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है. जब जीसस क्राइस्ट का बर्थडे आता है तो उसको हर साल क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है. और इसे कौन मना रहा है बेटा? इसे क्रिश्चियंस लोग मनाते हैं. चर्चेस आर डेकोरेटेड ब्यूटीफुली. इस दिन जो चर्च होते हैं, जो क्रिश्चियंस के वर्शिप प्लेस है, उनको बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है. पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्री एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स. इस त्यौहार पर भी लोग एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं और क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है. आप लोग जब स्कूल में आते थे आपने इस तरह से क्रिसमस ट्री देखी है ना, उसको सजाया जाता है. ठीक है, अब मैं आगे का पढ़ रही हूँ. गुरु पर्व. गुरु पर्व का मीनिंग है गुरुओं का पर्व, त्यौहार. गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ द 10 सिख गुरुज. जो गुरु पर्व का जो त्यौहार है ये सिखों के 10वें गुरु के बर्थडे के प्रतीक है, यानी उस पर हम उनके बर्थडे पर ये त्यौहार को मनाते हैं. गुरुद्वारास आर डेकोरेटेड ब्यूटीफुली. गुरुद्वारास, जो गुरुद्वारे होते हैं, जो सिखों का वर्शिप प्लेस है, यानी सिखों की पूजा करने की जो जगह है उसको गुरुद्वारा कहा जाता है, आर डेकोरेटेड ब्यूटीफुली. उसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है, बहुत सुंदर सजाया जाता है. देखिए बेटा, बर्थडे जब होता है, आप लोगों का बर्थडे आता है, आप भी अपने घर को बैलून से, शिमर से, इस तरह से सजाते हैं ना,
तो इसी तरीके से जब गुरुओं के सिखों के गुरु का बर्थडे आता है, वो अपने गुरुद्वारे को बहुत सुंदर सजाते हैं, अपने घरों को भी बहुत से सजाते हैं और उनके बर्थडे को गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स, बेटा ये वर्ड बार बार आ रहा है, PEOPLE, पीपल। पीपल मीन्स होता है लोग, लोग नए कपड़े पहनते हैं। एंड विजिट गुरुद्वारा, और विजिट मीन्स होता है जाते हैं, सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, विजिट करके आते हैं गुरुद्वारे की। ठीक है बेटा, देखिए कोई भी अगर फेस्टिवल होता है, चाहे उसको हिंदू मनाएं, चाहे मुस्लिम्स मनाएं, सिख मनाएं, ईसाई मनाएं, सबसे पहले वो अपने भगवान को, अपने गॉड को, अल्लाह को, अपने गुरु को याद करते हैं। और होना भी हमेशा चाहिए, आप भी ये बात सीखिए, अपनी खुशियों में सबसे पहले हम अपने भगवान को याद करते हैं, और उनके जहाँ पे हम जिस भी भगवान को मानते हैं या जो भी हमारा वर्शिप प्लेस है, यानी पूजा करने का स्थल है, जगह है, उस जगह जाते हैं, ठीक है ना, प्रेयर करने, उनकी ब्लेसिंग लेने। ठीक है, नेक्स्ट फेस्टिवल देखिए क्या है, होली। लुक एट दिस पिक्चर, होली, कलर्स खेल रहे हैं बच्चे, पिचकारी ले रखी है, ये बैलून्स कलर फेंक रही है, ये पानी से भरी बाल्टी रखी है ना, एकदम से आपके माइंड में होली की पिक्चर क्लिक हो गई। आप लोग भी इसी तरह से इंजॉय करते हैं। द फेस्टिवल ऑफ होली इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। द फेस्टिवल ऑफ होली, जो होली का त्यौहार है, द फेस्टिवल ऑफ होली इज, जो होली का त्यौहार है, अ स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। मंथ ऑफ मार्च यानी ये मार्च के महीने में सेलिब्रेट मनाया जाता है, और उस समय सीजन कौन सा चल रहा होता है, स्प्रिंग, बसंत का सीजन चल रहा होता है। ठीक है, जो होली का त्यौहार है ये मार्च के महीने में मनाया जाता है और बसंत स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है। ठीक है, पीपल सिंग डांस एंड प्ले विथ कलर्स ऑन दिस डे। पीपल, लोग सिंग, गाना गाते हैं, डांस, डांस करते हैं, एंड प्ले विथ कलर्स, प्ले विथ कलर्स पूरा एक साथ पढ़ो, प्ले विथ कलर्स रंगों के साथ खेलते हैं। ऑन दिस डे, ऑन दिस डे इस दिन, यानी होली के दिन लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, खूब नाचते हैं, गाते हैं और रंगों के साथ खेलते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर देखिए, और ये वर्ड देखिए, EID, ईद, ईद, ईद इज अ फेस्टिवल दैट मार्क्स द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान, इन विच द मुस्लिम्स कीप फास्ट ऑन दिस डे, इन दिस फेस्टिवल। दोबारा देखिए एक बार, ईद इज अ फेस्टिवल दैट मार्क्स द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान। यहाँ तक देखेंगे, जो ईद का त्यौहार है, पहले आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इसमें क्या कर रहे हैं, दो ये बच्चे बैठे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, ये आइज़ क्लोज की हुई है और ये प्रेयर कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं ये, है ना, और अपनी गॉड को, अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं। तो जो ईद का त्यौहार होता है ये मनाया जाता है, किसका प्रतीक है, एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान। जो होली मंथ ऑफ रमज़ान होता है, यानी रोज़े, एक महीने के जो रोज़े चलते हैं, ईद से पहले मुस्लिम्स लोग एक महीने के रोज़े जो रखते हैं, क्या करते हैं रोज़ों में, इन विच द मुस्लिम की फास्ट ऑन दिस फेस्टिवल। इस रोज़ों में, इस महीने में मुस्लिम लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, ठीक है, पूरा एक महीने मुस्लिम लोग रोज़ा रखते हैं, वो कुछ खाते पीते नहीं हैं, मतलब उनके खाने पीने का टाइम होता है, वो अपने उसी टाइम पीरियड में वो खाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिया और एकदम से जब मर्जी खा लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जब उनका
रोज़ा खोलने का वक्त होता है वो उसी समय रोज़ा खोलते हैं और अपना खाना खाते हैं। मुस्लिम्स गैदर इन लार्ज ग्रुप्स एट द मॉस्क्यूज। मुस्लिम्स मुसलमान जो लोग होते हैं गैदर इकट्ठा होते हैं, इन लार्ज ग्रुप यानी बहुत बड़े ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, एट यहाँ देखो एटी एट है, द मॉस्क्यू अपनी मॉस्क्यू मतलब जो उनका वर्शिप प्लेस है मस्जिद है, मुस्लिम्स लोग मस्जिद में जाते हैं प्रेयर करने पूजा करने ठीक है नमाज पढ़ने, वो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। गैदर मीन्स देख लीजिए बच्चों इकट्ठा होते हैं, लार्ज ग्रुप मतलब बड़े ग्रुप में बहुत बड़े समूह में इकट्ठा होते हैं और कहाँ जाते हैं मॉस्क्यू में, कहाँ इकट्ठा होते हैं मॉस्क्यू में मस्जिद में, एंड ऑफर देयर प्रेयर्स और नमाज, और वो क्या करते हैं प्रेयर करते हैं प्रार्थना करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। सेवैया और स्वीट इज आल्सो कुक, और क्या बनाते हैं वो लोग इनकी जो स्वीट डिश होती है उसका ना क्या कहते हैं उसको सेवैया, आप लोगों ने घर में सेवैया खाई है ना तो वो सेवैया बनाते हैं, दूध बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के सेवैया बनाई जाती है, मीठी सेवैया बनाई जाती है और वो उसको खाते हैं ठीक है। तो ईद के फेस्टिवल में बताया मैंने कि ये एंड ऑफ द रमज़ान मंथ में आती है, यानी पूरा रमज़ान का महीना जब ख़त्म हो जाता है जब ईद आती है मुस्लिम्स लोग मनाते हैं इसको ठीक है। मुस्लिम लोग मस्जिद पर इकट्ठा होते हैं और प्रेयर करते हैं नमाज पढ़ते हैं, ये देखो नमाज पढ़ रहे हैं और सेवैयाँ खाते हैं। तो बच्चों हमने यहीं तक इस चैप्टर को पढ़ा है, आगे की क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और अगर कहीं भी किसी भी लाइन में किसी भी वर्ड पर आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ लें या मुझे आप व्हाट्सएप कॉल करके मुझसे पूछ लें ठीक है बच्चे। जो भी अगर आपके डाउट हैं वो बच्चे आप मुझसे पूछें, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और सेकंड थिंग सभी बच्चे प्लीज़ 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 लाइव क्लास ज़रूर अटेंड किया करो। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।